जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 7 रेखीय समीकरण एक चर में चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 3 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 4। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, चैप्टर 7 लेक्चर 4। दोस्तों चैप्टर 7 का क्या नाम है ध्यान से देखिए, रेखीय समीकरण ब्रैकेट में एक चर में। दोस्तों बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर है। आप सभी मित्रों को लेक्चर 3 में मैंने आपको आयु से संबंधित प्रश्न कराए हैं। मैंने कहा था कुछ प्रश्न और शेष रह गए हैं जो आपके एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं, यानी कि दोस्तों आज की क्लास में भी हम आयु से संबंधित प्रश्न ही करेंगे। तो दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए आयु, हेडिंग दोस्तों आप लोगों की पढ़ी होगी, कल के क्वेश्चन लिखे होंगे, आयु से संबंधित प्रश्न। दोस्तों जितना भी आप सभी मित्रों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स जो कुछ मैंने अभी तक आप सभी मित्रों को पढ़ाया है सिखाया है, दोस्तों यदि चाहते हैं आपकी सब कुछ आपको अच्छे से सीखने के लिए मिल जाए तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर दोस्तों आपको चैप्टर वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे, और दोस्तों मैं सभी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को मिल सके। ठीक दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा, अभी तक दोस्तों मैंने टोटल आप सभी मित्रों को कुल 23 प्रश्न प्रोवाइड कराए, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कौन सी होगी? 24। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों है 24। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न, दोस्तों ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए, और यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो उसको लाइक भी किया करें, ठीक है? लाइक करने से भी वीडियो का दोस्तों क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, ठीक है? इसलिए आप लाइक भी जरूर किया करें। चलिए दोस्तों कह रहा है प्रश्न 24, पिता की वर्तमान उम्र, उम्र कह ले या आयु कह ले, बात एक ही है, पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र पुत्र के उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। पुत्र के उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है 3 वर्ष बाद पिता की उम्र, 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र पिता की उम्र से 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र के उम्र से पुत्र के उम्र से 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। दो गुने से 10 वर्ष
दस वर्ष अधिक होगी, अधिक होगी, अधिक होगी। दोस्तों आगे आपसे कह रहा है तो पिता की उम्र बताइए, होगी तो पिता की उम्र बताइए। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान है। कह रहा पिता की वर्तमान उम्र पुत्र के उम्र के तीन गुने से तीन वर्ष अधिक है। जो पिता की वर्तमान उम्र है पुत्र की उम्र के तीन गुने से तीन वर्ष अधिक है। उसके बाद कह रहा है तीन वर्ष बाद, जब तीन साल व्यतीत हो गए, तीन वर्ष बाद पिता की जो उम्र है पुत्र के उम्र से दो गुने से दस वर्ष अधिक है। तो पूछ रहा आपसे पिता की उम्र बताइए। दोस्तों मान लेते हैं, ध्यान समझिए, पिता पुत्र है दोस्तों, जब भी पिता पुत्र दे रखा होगा तो दोस्तों पुत्र की आयु मानेंगे। माना पुत्र की आयु, खाली पुत्र की आयु लिखें या पुत्र की वर्तमान आयु, आयु की आयु कह ली या उम्र बात देखी, तो मान लेते माना पुत्र की उम्र या पुत्र की वर्तमान उम्र, दोनों का सेंस एक ही है, वर्तमान उम्र। पुत्र की दोस्तों वर्तमान उम्र कितनी मान लेते हैं, ना समझिए एक्स वर्ष मान लेते हैं, यानी पुत्र वर्तमान में एक्स वर्ष का है दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान समझिए तो पिता की उम्र क्या हो जाएगी, ध्यान समझिए पिता की वर्तमान उम्र, और पूछा भी दोस्तों आपसे यही, क्या पिता की उम्र बताइए, पिता की उम्र कहता है पिता की वर्तमान उम्र, दोनों का सेंस यही कह रहा। ध्यान समझिए पिता की वर्तमान उम्र पुत्र के उम्र के, पुत्र के उम्र के, तो पुत्र की उम्र दोस्तों कितनी एक्स, पुत्र के उम्र के तीन गुने, जितनी पुत्र की उम्र है उसका तीन गुना, यानी कि x का तीन गुना 3x हो जाएगा, तीन गुने से तीन वर्ष अधिक है, यानी कि इसमें क्या करें तीन ऐड कर देंगे, यानी क्या है 3x प्लस 3 ये वर्ष आ गए। चाहे दोस्तों तो यहां से क्या 3 का मान लेके x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 3 का मान लेके आप x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, पर दोस्तों ऐसे ही लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आप दोस्तों आगे चलते हैं। कह रहा तीन वर्ष बाद, तीन वर्ष बाद करा तो दोस्तों क्या करेंगे, तीन वर्ष बाद पुत्र की आयु निकाल लीजिए और तीन वर्ष बाद पिता की आयु निकाल लेते हैं। ध्यान समझिए कैसे निकलेगी, क्या लिखोगे, तीन वर्ष बाद पुत्र की उम्र, क्या तीन वर्ष बाद पुत्र की उम्र, तो दोस्तों पुत्र आज की डेट में इस समय x वर्ष का है तो तीन साल बाद कितने का होगा x प्लस 3। जैसे मैं पूछूं आपसे, कहूं कि आपकी उम्र आज 25 साल है तो तीन साल बाद आप कितने साल के होंगे, तो कहेंगे सर हम 28 साल के होंगे, कैसे पता चला, आपने 25 में 3 जोड़ा। इसी प्रकार दोस्तों जो पुत्र है इस समय x वर्ष का है तो दोस्तों तीन साल बाद कितने का होगा x प्लस, बोलिए x प्लस 3 ही तो होगा, यानी कितना x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा, राइट। चलिए अब दोस्तों पिता की निकाल लेते, तीन वर्ष बाद ये कह रहा था तीन वर्ष बाद, तो तीन वर्ष बाद पिता की उम्र, तीन वर्ष बाद दोस्तों पिता की उम्र निकालते हैं तो कितनी वर्तमान में दोस्तों 3x प्लस 3 है, यानी कि 3x प्लस 3 वर्तमान में, और तीन साल बाद इसी में 3 और ऐड कर ले, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा 3x प्लस 3 प्लस 3, यानी दोस्तों कितना हो गया, इसको सॉल्व करें तो 3x ये हो जाएगा और 3 प्लस 3 दोस्तों कितना 6 हो गया, इतनी हो गई, इतनी वर्ष आया, क्या 3x था ही, 3 प्लस 3 6 हो गया, चाहे तो 3 का मान ले सकते हैं वरना ऐसे ही छोड़ दीजिए। ध्यान समझिए अब दोस्तों लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार ध्यान समझिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, तीन वर्ष बाद पिता की उम्र, तीन वर्ष बाद पिता की उम्र जो है पुत्र के उम्र से दो गुने, तो पिता की उम्र दोस्तों लिख लेते हैं, एक साइड में पिता की उम्र लिख लीजिए एक साइड में पुत्र की उम्र लिख लीजिए, तो पिता की दोस्तों कितनी 3x प्लस 6, इसको दोस्तों मैंने लिख लिया, और दूसरी साइड में दोस्तों क्या है हमारे, ध्यान समझिए ये 3x प्लस 6 हो गई और पुत्र की कितनी x प्लस 3, ये पहले से दोस्तों मैंने लिख लिया, क्या x 3x प्लस 6 लिख लिया इधर, ये पिता की उम्र है और x प्लस 3 दोस्तों क्या है पुत्र की है, तीन वर्ष की बात कर रहा, अब तीन वर्ष बाद की कंडीशन क्या है, कह रहा है तीन वर्ष बाद पिता की उम्र, तो पिता की उम्र दोस्तों कौन सी है, पिता की उम्र पुत्र के उम्र से दो गुने, किसकी दो गुने कहा, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से दो गुने, जिसकी कहेगा उसकी हम नहीं करेंगे,
पिता की का है पर हम पुत्र की करेंगे, यानी कि पुत्र की दोगुने कर दिया हमने उम्र। क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र के उम्र से दोगुने से 10 वर्ष अधिक है। जो पिता की उम्र है पुत्र की उम्र से दोगुने से 10 वर्ष अधिक है, यानी दोस्तों जो कुछ करेंगे पिता का कहा है पर करेंगे पुत्र में। और ऐसा क्यों करते दोस्तों, मैंने आपको बताया क्योंकि हमें बीच में बराबर लगाना होता। कल की क्लास में दोस्तों मैंने अच्छे से समझाया कि ऐसा करते क्यों। मेन चीज है दोस्तों इस रेखीय समीकरण को बनाना, यदि आपने रेखीय समीकरण बना लिया तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, और यदि यही नहीं बना पाए तो मामला गड़बड़ है, तो मामला गड़बड़। जैसे मैं कह दूं कि ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, मैं कह दूं जो मान लेते हैं ए के पास 10 रुपए हैं और बी के पास 25 रुपए हैं। आप ध्यान समझिए, ए के पास 10 रुपए हैं, बी के पास 25 रुपए, और मैं कह रहा हूं ए के पास, या इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं, जैसे ये सेम ऐसे मान लेते हैं, ए के पास 25 मान लेते हैं, बी के पास 10 मान लेते हैं। अब मैं कह दूं यदि ए के पास बी से 15 रुपए ज्यादा है, क्या ए के पास बी से 15 रुपए ज्यादा है, तो दोस्तों यदि हमें बीच में बराबर लगाना, ध्यान समझिए, यदि बीच में हमें यहां पर इक्वल लगाना है, क्या लगाना, इक्वल, यदि हमें बीच में इक्वल लगाना है तो दोस्तों कहा क्या है, ए के पास बी से 15 रुपए अधिक है, और दोस्तों बराबर लगाना, तो किसके पास 15 रुपए अधिक है, ए के पास अधिक है, पर दोस्तों हम जोड़ेंगे इसमें बी के, क्यों, क्योंकि दोस्तों बराबर का चिन्ह क्या, बराबर के साइन का चिन्ह का मतलब भी क्या होता है, दोनों साइड बराबर होने चाहिए। देखिए यहां भी 25 तो ऑलरेडी से है, वहां दोस्तों 10 और 15 कितना 25 हो गया, यानी कहा था कि ए के पास बी से 15 रुपए अधिक है, पर हमने जोड़ा किसमें, ए के पास अधिक, पर जोड़ा किसके है हमने, बी में, क्योंकि बी में कम है, इसलिए दोस्तों बराबर करने के लिए ये चीज करते हैं। कल भी मैंने दोस्तों इस पर चर्चा की थी, ठीक है, चलिए आई होप मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे समझ पाए होंगे। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहां से, देखिए 3x + 6 दोस्तों ऐसे ही रहा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई दोस्तों 3 से करेंगे, क्या 2 की मल्टीप्लाई एक्स से किया तो 2x हो गया, 2 की मल्टीप्लाई दोस्तों 3 से किया कितना, 2 3 6 + 10 हो गया। ध्यान समझिए क्या करते हैं, 3x को अपनी जगह पर रहते हैं, 2x को उठा के इधर ले आते हैं, तो 3x और इधर प्लस का 2x इधर आएगा, माइनस का 2x इक्वल टू, देखिए 6 हमारे पास है, प्लस का दोस्तों 10 ऑलरेडी से है, इसको उठा के प्लस का 6 उधर ले जाते हैं, तो कितना माइनस का 6 हो गया, क्या इधर दोस्तों क्या 6 + 10 था ही, इस प्लस 6 को उठाकर बराबर के उधर लाए, माइनस 6 हो जाए, देखिए प्लस 6 और माइनस 6 जीरो हो जाएगा, कट जाएगा, यानी क्या बचेगा 10, और इधर देखिए 3x में से दोस्तों 2x जाएगा, यानी कि x बराबर दोस्तों कितना 10 आ गया, x की वैल्यू 10 आ गई हमारी, चाहे 10 वर्ष लिख लीजिए, खाली 10 लिख लीजिए, x की वैल्यू दोस्तों हमारी क्या आ गई, 10 आ गई जाके। यानी दोस्तों अब आपसे पूछा क्या था, तो पिता की उम्र बताइए, पिता की वर्तमान उम्र पूछ रहा, और पिता की वर्तमान उम्र दोस्तों कितनी, 3x + 3 दोस्तों, इसके बाद आप इधर ऐसे लिखेंगे, आता है फाइनल, पिता की उम्र, अतः पिता की उम्र, मैं दोस्तों नीचे कर दे रहा, चलिए आगे कर दे रहा, अतः पिता की उम्र कितनी, 3x + 3, यानी कि 3 लिख दिया दोस्तों, और x की जगह दोस्तों कितना पुट करेंगे, 10, तो x इंटू, मतलब x की जगह 10 पुट किया तो 3 तो था ही, और x की जगह 10 लिख दिया तो 3 इंटू कितना हो गया, 10 हो गया, और प्लस 3, तो दोस्तों ध्यान से देखिए कितना, 3 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना 30 + 3, यानी कि 33, यानी 33 वर्ष आ गई, 33 वर्ष, वर्ष जरूर दोस्तों लगाइएगा, तो क्या की अतः पिता की उम्र कितना, 33 वर्ष होगा। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, यह प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, बहुत आसान प्रश्न है, आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों, यहां पर x बराबर 10 लिखा है, आपको शायद आधा दिख रहा है, पर यह x बराबर दोस्तों यहां पर 10 लिखा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, कर लेंगे ना दोस्तों ऐसा प्रश्न, अब अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 25 कह रहा है, ध्यान से देखिए, रमेश की वर्तमान उम्र पुत्र की
उम्र से चार गुने, इसको चलो रफी कर देता हूं, दुबा लिख देता हूं, पच्चीस नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से चार गुना है, अपने पुत्र राहुल की आयु से चार गुना है, से चार गुना है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है, पांच वर्ष पूर्व रमेश की आयु, पांच वर्ष पूर्व रमेश की आयु, पांच वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से नौ गुनी थी, रमेश की आयु राहुल की आयु की नौ गुनी थी। आगे दोस्तों कह रहा है, तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को आपको दोस्तों आपको होमवर्क से करना है, जैसे इसको लगा वैसे लगा रहा, थोड़ा सा चेंज किया गया, कह रहा रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से चार गुनी है, तो दोस्तों मान लेंगे पुत्र की आयु एक्स वर्ष हो जाएगी, तो रमेश की कितनी हो जाएगी, चार गुनी का, इसलिए कितना 4x हो जाएगा। फिर कह रहा पांच वर्ष पूर्व रमेश की आयु, तो पांच वर्ष पूर्व राहुल की आयु निकाल लेंगे और रमेश की आयु निकाल लेंगे, पांच वर्ष पूर्व राहुल की आयु निकाल लेंगे रमेश की, आपने क्या माना, राहुल की आयु अपने एक्स वर्ष मान लिया और पिता की आयु कंडीशन के हिसाब से 4x हो गई है, और पांच वर्ष जहां बाद लिखा इस बार पूर्व यानी कि पहले की बात कर रहा, तो रमेश की जो राहुल है पांच वर्ष पूर्व राहुल की उम्र कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 5, उसमें घटा देंगे, जब भी पूर्व दोस्तों कहेगा तो हम घटाएंगे, बाद कहेगा या पश्चात कहेगा दोस्तों तो जोड़ेंगे, पूर्व कहे या पहले कहेगा तो हम घटाएंगे और बाद या पश्चात कहेगा तो जोड़ेंगे, तो राहुल की आयु कितनी x माइनस 5 हो जाएगी, वर्ष हो जाएगी, एंड उसकी किसकी रमेश की आयु कितनी हो जाएगी 4x माइनस का 5, दो कंडीशन होगी, उसके बाद कह रहा पांच वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु की नौ गुनी थी, बहुत आसान है, तो रमेश की आयु दोस्तों आपकी कितनी आ गई, रमेश की आयु दोस्तों कितनी आई 4x माइनस 5, उसकी कितनी x माइनस का कितना 5 आया, इन दोनों को सॉल्व करिए, यानी कि 4x माइनस 5 इक्वल टू 9 ब्रैकेट में कितना x माइनस 5, ये क्वेश्चन बनी जाके फटाफट सॉल्व कर लीजिए, मैंने तो ओरली सॉल्व करा दिया पर आप अच्छे से सॉल्व करिएगा, आंसर आप बताइएगा इसका, ठीक कमेंट बॉक्स में, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, फटाफट इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, चलिए अगला दोस्तों प्रश्न कह रहा है संख्या 26, 26 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, इसको रख करो, चलिए ध्यान से देखिएगा, 26 नंबर क्या कह रहा है, 26 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, मीना की आयु, मीना की आयु उसके पुत्री की आयु का, दोस्तों यह क्लास आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज की और इसके पहले की दोनों क्लासें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि यहां से प्रश्न दोस्तों आपके दो नंबर के पूछे जाते हैं। मीना की आयु उसके पुत्री की आयु का 8 गुना है। मीना की आयु उसके पुत्री की आयु का 8 गुना है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है 8 वर्ष बाद मीना और उसके पुत्री 8 वर्ष बाद मीना और उसकी पुत्री के आयु का अनुपात 10:3 होगा। पुत्री के आयु का अनुपात 10:3 होगा। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है तो मीना की आयु बताइए। तो मीना की आयु बताइए। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। अनुपात वाला प्रश्न दोस्तों ये भी बहुत आसान है। ध्यान से दोस्तों देखिएगा। आपसे दोस्तों कह रहा है मीना की आयु उसके पुत्री की आयु का 8 गुना है। मीना की जो आयु है उसके पुत्री की आयु का 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना और उसके पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा। तो मीना की आयु बताइए। दोस्तों मान लेंगे सबसे पहले जब भी माँ बेटी की बात कह रहा हो तो बेटी की उम्र सबसे पहले मानेंगे। पिता और पुत्र की बात कह रहा हो तो पुत्र की उम्र सबसे पहले मानेंगे। पूछा किसी की भी हो ठीक है तो माना दोस्तों पुत्री की आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी। मीना की पुत्री की आयु कितनी दोस्तों मान लिया हमने x वर्ष मान लिया। उसके बाद दोस्तों मीना की आयु कितनी हो जाएगी। मीना की आयु जो कंडीशन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे क्या। मीना की आयु उसके पुत्री की आयु का 8 गुना है। मीना की जो आयु है उसकी पुत्री की जो आयु है उसका कितना 8 गुना, यानी कि x का दोस्तों कितना 8 गुना 8x वर्ष हो जाएगा। आगे कह रहा 5 वर्ष बाद कह रहा नहीं सॉरी 8 वर्ष बाद की बात कर रहा तो 8 साल बाद की बात कर रहा 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यानी कि पुत्री और मीना दोनों की उम्र दोस्तों 8 साल बाद निकाल लेंगे। ध्यान समझिए तो क्या लिखोगे 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु दोस्तों 8 वर्ष बाद यानी कि बात कह रहा है यानी पश्चात कह रहा है यानी कि क्या करेंगे x में 8 जोड़ देंगे तो x प्लस 8 वर्ष हो जाएगी। एंड दोस्तों 8 वर्ष बाद मीना की आयु बराबर दोस्तों कितनी 8x है इसमें 8 जोड़ देंगे। दोस्तों कॉमन मान लीजिएगा वरना लास्ट में आपको आगे चल के जब सॉल्व करेंगे तो उसमें खोलना पड़ेगा इसलिए यही रखिए। अब दोस्तों प्रश्नानुसार ध्यान से समझिए प्रश्नानुसार अब लास्ट वाली लाइन क्या करिए दोस्तों आपसे कह रहा है कि 8 वर्ष बाद मीना और उसकी पुत्री के आयु का अनुपात किसका मीना और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात दे रखा तो मीना की दोस्तों 8 वर्ष बाद उम्र कितनी 8x+8 है अपान और पुत्री की दोस्तों आयु कितनी x+8 क्या कह रहा 8 वर्ष बाद मीना और उसकी पुत्री तो मीना की आयु दोस्तों 8x+8 हो गई। 8x+8 यहां कितना दोस्तों x+8 हो गया और रेशियो कितना दोस्तों देख रहा 10:3 यानी कि 10:3 अनुपात को दोस्तों बटे सही में लिख सकते यानी कि जैसे 10:3 लिखा दोस्तों चाहे 10:3 लिखे या 10/3 लिखे दोनों का सेंस एक ही है ठीक है। अनुपात क्या उसको बटे सही में भी लिख सकते हैं चलिए 10/3 होगा। अब देखिए दोस्तों ध्यान से दोस्तों देखिएगा क्या हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहां पर क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ध्यान समझिए तो 3 की मल्टी या इससे कर दी सबसे देखिए x की इससे करते हैं इसकी मल्टीप्लाई से इसके मल्टीप्लाई से तो 10 लिख लिया दोस्तों ब्रैकेट में कितना x+8 हो गया
इधर दोस्तों थ्री से करेंगे, थ्री लिख लिया ब्रैकेट में, एट एक्स प्लस एट हो गया। क्या किया? 10 लिखा दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे, जिसको सामान्य भाषा में कैंची घोड़ा बोलते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो क्या 10 लिख लिया, x प्लस 8 लिख लिया, यहां 3 लिख लिया, 8x प्लस 8 लिख लिया। ध्यान समझिए, इसके बाद दोस्तों मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूं। देखिए अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की मल्टीप्लाई x करेंगे कितना होगा 10x प्लस 10 की मल्टीप्लाई दोस्तों 8 से करेंगे कितना 80 हो जाएगा इक्वल टू। देखिए यहां 3 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे कितना 3 8 24x और प्लस 24 क्योंकि आगे भी 8 ही है तो 3 8 24 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान समझिए, इस 10 को उठाकर बराबर के उधर ले जाएं, मतलब 10x को उठा के बराबर को उधर ले जाएं, 80 अपनी जगह रखे, 24 को उठा के इधर लाएं। तो देखिए क्या 80 दोस्तों अपनी जगह पर है, प्लस का 24 से बराबर की इधर आएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा इक्वल टू 24x। दोस्तों आपके पास लिखा ही है 24x लिखा ही, 10x को उधर उठा के ले जाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। आप घटा लीजिए, देखिए 80 में से 24 घटाना है तो 10 में से 4 गया 6, ठीक है, या कितना जाएगा 7 में से 2 गया 5। अब देखिए 24x में से 10x जाएगा कितना 14x बचेगा, x बराबर दोस्तों कितना 56/14 जो गुणे में होता है बटे में जाता है, x के गुणे में 14 है इसलिए बटे में क्या कट कर लेते हैं, 14 × 1=14, 14 × 56 यानी कि x बराबर दोस्तों 4 आ गया। चाहे 4 वर्ष लिखिए, खाली 4 लिख लीजिए चलेगा, x की वैल्यू दोस्तों कितना 4 वर्ष आ गए। यानी दोस्तों आपसे क्या पूछा था, तुम मीना की आयु, मीना की दोस्तों मीना की आयु कितना 8x, तो लिखोगे अतः मीना की आयु अतः मीना क्या दोस्तों कितना 8x यानी कि 8 लिख लिया और x के साथ दोस्तों कितना 4 हो गया, 8 × 32 वर्ष हो गई। और दोस्तों यदि यही इसी प्रश्न में आपसे कह लेता तो मीना तथा उसकी पुत्री की आयु बताइए, क्या यहां खाली पूछा मीना की आयु बताइए, यदि आपसे कहता मीना तथा उसकी पुत्री की आयु बताइए दोनों की दोस्तों आपसे पूछता, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू तो 4 आ ही चुकी थी यानी कि पुत्री की आयु 4 वर्ष हो जाती और मीना की आयु 32 वर्ष हो जाती। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, चलिए तो मुझे उम्मीद है कि अब आप अच्छे से कर लेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या 27 कह रहा है, दीपक की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है, पुत्र की आयु का 3 गुना है, 5 वर्ष बाद दीपक और उसके पुत्र के आयु का अनुपात 34:13 होगा, 34:13 होगा। तो दीपक की आयु बताइए, ठीक है दोस्तों, जैसे इसको लगाया वैसे लगाइएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्रश्न का दोस्तों 28 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको रब करो, अट्ठाईस नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, आपसे कह रहा ए व बी की वर्तमान उम्र का अनुपात, ए तथा बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है 10 वर्ष पूर्व उनके उम्र का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व यानी कि पहले की बात कर रहा, 10 वर्ष पूर्व उनके उम्र का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व उनके उम्र का अनुपात 4:7 है, तो 5 वर्ष बाद बी की उम्र बताइए, तो 5 वर्ष बाद बी की उम्र बताइए है, तो 5 वर्ष बाद बी की
उम्र बताइए। देखिए ये भी आसान प्रश्न है। इस प्रश्न में दोस्तों आपको क्या दो बार अनुपात दे रखा है, तो दोस्तों क्या करेंगे इसमें, ये तो और आसान हो जाएगा उससे। ध्यान से देखिए और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करते रहिए। चलिए कह रहा ए तथा बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है, 10 वर्ष पूर्व इनके उम्र का अनुपात 4:7 है, तो 5 वर्ष बाद बी की उम्र बताइए। दोस्तों क्या दे रखा है, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात दे रखा है। दोस्तों मान लेते हैं, माना ए की वर्तमान उम्र या आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी, 3:4 है, यानी 3x मान लेंगे, 3x वर्ष, x शिफ्ट करा देंगे इसके मासिक को, और b की दोस्तों वर्तमान उम्र मान लेते हैं, वर्तमान उम्र दोस्तों कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। आप ध्यान समझिए, आगे कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, तो दोस्तों पहले इनकी 10 वर्ष पूर्व की आयु निकालते हैं, तो लिखोगे 10 वर्ष पूर्व ए की उम्र, तो 10 वर्ष पूर्व आज की रेट में कितना है, 3x है, तो 10 साल पहले कितना होगा, 3x में से 10 वर्ष घटा देंगे, तो आप अच्छे से माहिर हो चुके होंगे, है कि नहीं। और दोस्तों 10 वर्ष पूर्व बी की उम्र निकाल लेते हैं, तो वर्तमान में बी दोस्तों कितना है, 4x का है, तो 10 साल पहले कितना, 4x माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा था, कह रहा है 10 वर्ष पूर्व इनके उम्र का अनुपात 4:7 है, यानी कि ए और बी की उम्र का अनुपात 4:7 है। प्रश्नानुसार क्या 10 वर्ष पूर्व, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा, ए यानी कितना है, 3x माइनस का 10 अपान 4x माइनस का 10, 3x माइनस का 10 अपान 4x माइनस 10 कितना, 4:7 यानी कि 4/7, ठीक दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ब्रैकेट में 3x माइनस का 10 हो गया, यहां दोस्तों कितना होगा, 4 ब्रैकेट में कितना, 4x माइनस का 10 हो गया। मल्टीप्लाई दोस्तों करते हैं, 7×3=21x हो गया, माइनस कितना, 7×10=70 हो गया, इक्वल टू 4×16x हो गया, माइनस कितना, 4×10=40 हो गया। 21x अपने जगह पर, इसको उठा के दलाएंगे तो 21x माइनस का दोस्तों 16x हो गया, भाई प्लस का था बराबर कितना आएगा, 16 हो जाएगा, माइनस का 40 है दोस्तों, और इसको माइनस का 70 बराबर उधर जाएगा तो प्लस का 70 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं 10 साल पर दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा, तो 21x में से दोस्तों क्या जाएगा, 16x जाएगा, तो 5x बचेगा, 5x 21 में से 16x जाएगा, 5x बराबर देखिए माइनस का 70 और प्लस माइनस का 40 प्लस का 70, यानी दोस्तों क्या बचेगा, 30 बचेगा प्लस का। ये तो आप जानते हैं, जब भी प्लस माइनस दो साइन होते हैं तो हमेशा नंबर क्या होंगे, घटेंगे, जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा, क्योंकि 70 बड़ा इसलिए प्लस का 30 आएगा। एक्स बड़ा दोस्तों कितना होगा, 30/5, तो दोस्तों कट कर लेते हैं, 5×5 5×6=30, यानी दोस्तों एक्स की वैल्यू 6 आ गई, 6 वर्ष लिखिए, खाली 6 लिख लीजिए, 6 वर्ष आ गए। अब आपसे पूछा तो 5 वर्ष बाद बी की उम्र, तो दोस्तों देखिए बी की वर्तमान उम्र कितनी, 4x है, और 5 वर्ष बाद पूछा है, यानी कि इसी में क्या कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे, तो क्या लिखोगे, 5 वर्ष बाद बी की उम्र, 5 वर्ष बाद बी की उम्र, ध्यान समझिए, वर्तमान में दोस्तों बी कितना है, 4x का है, और 5 साल बाद कितना, 4x प्लस 5 हो जाएगा। वर्तमान में बी दोस्तों कितना है, 4x का था, 5 साल बाद कितना, 4x प्लस 5 हो जाएगा, यानी दोस्तों क्या लिखेंगे, 4x दोस्तों है और x की वैल्यू कितना, 6 आई, 6 लिख दिया, और प्लस 5 कितना हो गया, 4×6=24 और प्लस 5 यानी दोस्तों कितना, 29 वर्ष हो गया। तो फाइनल आंसर दोस्तों क्या लिखोगे, अतः 5 वर्ष बाद बी की उम्र बराबर 29 वर्ष, ब्रैकेट में दोस्तों बढ़िया बस से बंद कर लीजिए, और यह दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि अब आप इस टाइप के प्रश्न अच्छे से कर पाएंगे, और देखिए दोस्तों अगला कह रहा है, 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, ए तथा बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:5 है, 4:5 है। आगे कह रहा है 7 वर्ष
सात वर्ष पूर्व उनके आयु का अनुपात 5:6 है, 5:6 है। तो बी की, तो 5 वर्ष पहले, तो इस बार घटाएंगे दोस्तों, जोड़ेंगे नहीं यहां पर, 5 वर्ष पहले बी की उम्र बताइए, ठीक है। और दोस्तों यदि ए की पूछता आपके वर्तमान उम्र, तो इसमें ऐड कर देते, इसको इसमें एक्स की वैल्यू देते हैं। यदि 5 साल बाद कहता है ए की, तो इसमें क्या 3x+5 ऐड कर देते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि अब आप आयु से संबंधित प्रश्न अच्छे से कर लेंगे। कैसा भी प्रश्न आएगा, मैंने हर टाइप के दोस्तों प्रश्न करा दिए, आप इन प्रश्नों को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और दोस्तों को बार बार लगाइएगा, अच्छी प्रैक्टिस करिएगा, तब जाके आपको आयु से संबंधित प्रश्न कोई भी आएगा आपका गलत नहीं होगा और 2 नंबर दोस्तों आपको दिखे जाएगा। तो दोस्तों आज आयु से संबंधित प्रश्न समाप्त होते हैं, कल की क्लास में दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।